समस्तंकु शुभ दिन। कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती जेमिति कि तुम्हें माने समस्ते जानिछ, आज तुम्हें समस्ते राइटर मॉड्यूल 1 पाई गोटिए प्रैक्टिकल परीक्षा देबो। एही परीक्षा रे तुमकु बहुत प्रश्न पचरा जीवो एवं तुमकु से गुड़ी को तुम्हारा कंप्यूटर रे ताहाकु करी देखाइबाकु हेबो। एबे आसो एही परीक्षार नियम गुड़ी को विषय जानिबा। एहा गोटिए प्रैक्टिकल परीक्षा अटे, गोटिए परे गोटिए तुमको बहुत गुड़िए ऑप्शन देखाइबाकु कुहा जीवो। एही परीक्षाटी 45 मिनिट अटे। तुमको जेउ सब प्रश्न पचरा जीवो ताहा किपरि करा जायछि तुमको से सब परे देखा जीवो, जहा द्वारा तुम्हें सठिक करिछ कि नाही बुझी पारिबो। एहाकु तुमे तुमर उत्तर सह मिलाइबा पई व्यवहार करि पारिबो। जदि तुम मध्यरु कहार उत्तर भूल होइछि बोली देखि पारुछ, तबे तुमे सठिक उत्तरटी को देख एवं सही ऑप्शन टी विषय रे सिखो। तबे आसो एबे परीक्षा आरंभ करिबा। एबे एही लाइन टी को टाइप करो, तापरे एही लाइन टी को 10 थरो तुमरो पेज रे लेखो एवं एहा को तुमरो शिक्षक को देखाओ। मने रखिबो समस्त लाइन गुड़ी को नुआ लाइन रे आसीबा आवश्यक। आसो एबे एही वीडियो को देखिबा एवं सठिक उत्तर जानिबा। एबे आसो एही वीडियो देखी कॉपी एवं पेस्ट करिबारो सठिक माध्यम सिखिबा। प्रथमे निजरो राइटर फाइल ओपन करो। एथिरे तुमे पूर्वरो कटे लाइन लेखी सारी छ, कंप्यूटर शिक्षा सहज वे बेटर वे टू लर्निंग कंप्यूटर्स। एहा को कॉपी करिवा पई प्रथमे एही लाइन टी को सिलेक्ट करिया पई होई थाए। कॉपी करिया पई एबे वीडियो रे देखाई थिया भली प्रथमे लाइन टी को कॉपी करो, माउस किंबा टच पैड किंबा शिफ्ट एवं एरो की व्यवहार करी तुमे लाइन को सिलेक्ट करि परिबो। एहा परे कॉपी करिवा पई शॉर्टकट माध्यम कंट्रोल प्लस सी बटन दबाई कॉपी करि परिबो किंबा एडिट मेनू रु कॉपी करि परिबो। एबे कॉपी कला परे तुमको एहा को पेस्ट करिवा पई हेबो। पेस्ट करिवा पई तुमे वर्तमान एंटर बटन दबाओ नुआ लाइन को जीवा पई जेउ भली वीडियो रे देखा जाय छी एवं पेस्ट करिवा पई शॉर्टकट माध्यम कंट्रोल प्लस वी बटन दबाओ। एहा द्वारा तुमे सिलेक्ट करथिबा लाइन टी जहा को कॉपी करथिलो ताहा पेस्ट होई जीवो जेउ भली वीडियो रे देखा आइ छी। सेही भली आउ थरे एंटर बटन दबाओ, आउ थरे कंट्रोल प्लस वी बटन को दबाओ। एहा द्वारा एहा आउ थरे पेस्ट होई जीवो। एही परि भाबरे तुमे 10 थर पेस्ट करो जेउ भली वीडियो रे देखा जाय छी। कंट्रोल प्लस वी बटन दबाई तुम्हें पेस्ट करि परिबो एवं नुआ लाइन को जीवा पई एंटर बटन को दबाई परिबो। फॉन्ट नेम कोन पई व्यवहार करा जाए तुम्हें जानी छो कि? लेखारो स्टाइल चेंज करिवा पई फॉन्ट नेम को व्यवहार करा जाए। तेबे वर्तमान जाओ एवं प्रथम लाइन रो लेखा को चेंज करो एवं ताहा को देखाओ। आसो एबे एही वीडियो को देखिबा एवं सठिक उत्तर जानिबा। एबे आसो फॉन्ट नेम चेंज करिबारो सठिक माध्यम सिखिबा। एथि पई प्रथमे लाइन टी को सिलेक्ट करिया पई होई थाए। वीडियो रे देखाइतिया भळे प्रथमे प्रथम लाइन टी को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट कला परे फॉन्ट नेम चेंज करिबा पई निजर कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉन्ट नेम पाखर थिबा ड्रॉप डाउन आइकन को क्लिक करो एवं सेठारो निज इच्छा मुताबिक गोटिए फॉन्ट रो स्टाइल को सिलेक्ट करो एवं ताको क्लिक करो।
एहा द्वारा तुम्हारो फॉन्ट रो नेम टी चेंज होई जिवो जदि पुनर्बार चाहिबो एहा को चेंज करिवा पई तबे पुनर्बार फॉन्ट नेम ऑप्शन को जाई निजो इच्छा मुताबिक गोटे स्टाइल सिलेक्ट करी चेंज करी परिबो एई पई भाबरे फॉन्ट नेम को व्यवहार करी परिबो फॉन्ट साइज कोन पई व्यवहार करा जाय तुम्हें कही परिबो कि आमर डॉक्यूमेंट रे टेक्स्ट रो साइज को बढ़ाइबा किंबा कमाइबा पई फॉन्ट साइज ऑप्शन को व्यवहार करा जाए एबे तुम्हें समस्ते द्वितीय लाइन को सिलेक्ट करी एहार टेक्स्ट रो साइज को 16 रु 20 मध्ये रे चेंज करो एहा करि सारिबा परे तुमरो शिक्षकन को देखाओ आसो एबे एही वीडियो को देखिबा एवं सटीक उत्तर जानिबा एबे एही वीडियो देखी फॉन्ट साइज को किपरी सटीक माध्यम रे व्यवहार करा जाए ताहा सिखिबा एथि पई प्रथमे लाइन टी को सिलेक्ट करिया पई होइथाय वीडियो रे देखि पारथियो भली द्वितीय लाइन टी को सिलेक्ट कर सिलेक्ट करिबा पई तुमे माउस किंबा टचपैड रो व्यवहार करि पाइबो किंबा शिफ्ट एवं एरो की रो व्यवहार करि पाइबो एबे लाइन टी को सिलेक्ट कर सिलेक्ट कला परे फॉन्ट रो साइज को बढ़ेवा पई तुमे निजर कर्सर किंबा पॉइंटर को साइज ऑप्शन पाखो को नेकी जाओ जेउ भली वीडियो रे देखा जाई छी एवं सेठार थिबा ड्रॉप डाउन आइकन उपरे गोटे थरो क्लिक करो सेठारे विभिन्न प्रकार साइज रो ऑप्शन रही छी सेथिरो गोटे साइज को सिलेक्ट करो एथि पई स्क्रॉल बार रो व्यवहार मध्य करि परिबो सिलेक्ट कला परे तुमे देखि परिबो तुमे सिलेक्ट करथिबा लाइन रो टेक्स्ट रो साइज बडो होई जाई छी जदि याकु कम करिबा पई चाहिबो पुनर्बार साइज ऑप्शन को जाई छोटो साइज को सिलेक्ट करि परिबो जहा द्वारा तुमरो टेक्स्ट रो साइज कम होई जिवो जेउ भली वीडियो रे देखि पारुछो एई भली भाबरे फॉन्ट साइज को व्यवहार करि परिबो बोल्ड काहे की व्यवहार करा जाए तुमे कहि परिबो कि तुमरो टेक्स्ट को गाढ़ा एवं मोटा करिबा पई बोल्ड को व्यवहार करा जाय थाए एबे तुमे समस्ते तृतीय लाइन टी को बोल्ड करो एवं बोल्ड पई शॉर्टकट कमांड कोन कुहो आसो एबे एही वीडियो को देखिबा एवं सटीक उत्तर जानिबा एबे एही वीडियो देखी बोल्ड रो ऑप्शन किपरि व्यवहार करा जाय तार सटीक माध्यम जानिबा एथि पई प्रथमे लाइन को सिलेक्ट करिया पई होइथाय तेणु वीडियो रे देखि पारथियो भली प्रथमे तुमे तुमरो लाइन टी को सिलेक्ट करो सिलेक्ट कला परे एहा को बोल्ड करिबा पई निजरो कर्सर किंबा पॉइंटर को बी लेखा जायथिबा ऑप्शन पाखो को नेकि जाओ जेउ भली वीडियो रे देखि पारछो एवं ताहा को गोटिए थरो क्लिक करो तुमे देखि पारिबो तुमे सिलेक्ट करथिबा लाइन रो टेक्स्ट गुडीको मोटा एवं गाढ़ा होई जाई छी एही भली भाबरे तुमे बोल्ड ऑप्शन को व्यवहार करि परिबो इटालिक काहे की व्यवहार करा जाए कही परिबो कि तुमरो लेखा को बंकाइबा अर्थात टेक्स्ट को बंका करी लेखिबा पई इटालिक ऑप्शन को व्यवहार करा जाए एबे चतुर्थ लाइन टी को इटालिक करो अर्थात एहारो लेखा को बंकाओ आसो एबे एही वीडियो को देखिबा एवं सटीक उत्तर जानिबा एबे एही वीडियो देखी आमे इटालिक ऑप्शन को किपरि व्यवहार करा जाए तहार सटीक माध्यम सिखिबा एथि पई तुमे चाहुंतिबा लाइन टी को प्रथमे सिलेक्ट करो जेउ भली वीडियो रे देखा जाय छी सिलेक्ट करिबा परे एहा को इटालिक करिबा पई निजरो कर्सर किंबा पॉइंटर को
फॉर्मेटिंग बारे थिबा आई ऑप्शन पाखो को नै कि जाओ जेउ भले वीडियो रे देखि पारु छ एवं ताकु गटिए थर क्लिक करो यहा द्वारा तुम्हें देखि पारिबो तुमर लेखा गुडीको इटालिक अर्थात बंका होई जाय छी एई भली भाबरे तुम्हें इटालिक ऑप्शन को व्यवहार करि पारिबो अंडरलाइन को काही की व्यवहार करा जाए तुम्हें कही पारिबो कि जेउ टेक्स्ट को तुम्हें हाइलाइट करिबा पई चाहु छ सही टेक्स्ट रो तळे गोटिए गारो देबा पई अंडरलाइन को व्यवहार करा जाए एबे पंचम लाइन टी को अंडरलाइन करी देखाओ आसो एबे एही वीडियो को देखिबा एवं सटीक उत्तर जानिबा एबे एही वीडियो देखी आमे अंडरलाइन ऑप्शन को किपरि व्यवहार करा जाए एवं यार सटीक माध्यम ता सिखिबा एथि पई प्रथमे तुम्हें तुम्हारा लाइन टी को सिलेक्ट करो जो भली वीडियो रे देखि पारुछ सिलेक्ट करिया पई शिफ्ट एवं एरो की द्वारा करि परिबो किंबा टच पैड एवं माउस द्वारा करि परिबो सिलेक्ट कला परे याकु अंडरलाइन करिबा पई अर्थात ए लाइन ल तळे गार देबा पई निजर कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेटिंग बारे थिबा यू ऑप्शन पाख को नै कि जाओ जेउ भले वीडियो रे देखि पारुछ एवं ताकु गटे थर क्लिक करो या द्वारा तुम्हें देखि पारिबो तुम्हारो लेखार तळे गटे गारो आसी जाय छी अर्थात तुम्हें सिलेक्ट करथिबा लाइन टी अंडरलाइन होई जाय छी एई भले बाबरे तुम्हें अंडरलाइन ऑप्शन को व्यवहार करि पारिबो अलाइनमेंट को काहे कि व्यवहार करा जाय कहि पारिबो कि आउ अलाइनमेंट केते प्रकार कहि पारिबो अलाइनमेंट को आमर राइटर पेज रे टेक्स्ट लाइन गुड़ी को सटीक भाव रे सजाइबा पई सहाय्य करी थाए अलाइनमेंट चारि प्रकार अटे लेफ्ट राइट सेंटर एवं जस्टिफाई अलाइनमेंट एबे षष्ठ लाइन टी को सेंटर अलाइन करी देखाओ अर्थात मझी को आनी देखाओ तापरे सप्तम लाइन टी को राइट अलाइन करो अर्थात डाहाण पाखो को आनो एवं तुमरो शिक्षक को देखाओ आसो एबे एही वीडियो को देखिबा एवं सटीक उत्तर जानिबा एबे अलाइनमेंट ऑप्शन को किपरि व्यवहार करा जाय एहार सटीक माध्यम सिखिबा अलाइनमेंट करिवा पई आमो को सही लाइन टी को जो लाइन टी को अलाइन करिया पई चाहुचू किंबा जो टेक्स्ट किंबा वर्ड को हमें अलाइनमेंट करिया पई चाहुचू प्रथमे सही लाइन किंबा सही वर्ड रो आरंभ को निजर पॉइंटर किंबा कर्सर को आनी क्लिक करो जो भली वीडियो रे देखि पारुछ एबे एही लाइन टी को अलाइन करिया पई निजर कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेटिंग बार रे अलाइनमेंट ऑप्शन पाखो को नै कि जाओ एबे याकु हमें सेंटर अलाइनमेंट करिबा अर्थात लाइन टी को मझी को आनिबा एति पई सेंटर अलाइनमेंट ऑप्शन उपरे गोटिए थर क्लिक करो तुम्हें देखि पारिबो वीडियो रे देखाउते भली तुम्हारो लाइन टी मझी को आसी जाय छी एबे परवर्ती लाइन टी को आमे राइट अलाइनमेंट करिबा अर्थात डाहाण पाखो को नेबा एथि पई पर लाइन रो आरंभ रे निजर कर्सर किंबा पॉइंटर को रखो जेउ भली वीडियो रे देखि पारुछ ता परे पॉइंटर किंबा कर्सर को अलाइनमेंट ऑप्शन पाखो को नै राइट अलाइनमेंट उपरे गोटे थर क्लिक करो या द्वारा तुम्हें देखि पारिबो तुमर लाइन टी डाहाण पाखो को चली जाय छी एही परि भाबरे तुम्हें अलाइनमेंट ऑप्शन को व्यवहार करि पारिबो आमे फॉन्ट कलर काही की व्यवहार कही थाउ कही पारिबो कि आम निज इच्छा अनुसार आमर टेक्स्ट को कलर करिवा पई आमे फॉन्ट कलर को व्यवहार करी थाउ एबे अष्टम लाइन रो
फॉन्ट कलर चेंज करी देखाओ। आस एबे ए वीडियो को देखिबा एवं सठिक उत्तर जानिबा। एबे आस एही वीडियो देखी आमे फॉन्ट कलर ऑप्शन को किपरि व्यवहार करा जाए ताहारो सठिक माध्यम सिखिबा। एथिपई तुमे चाहुतिबा लाइन पाराग्राफ किंबा टेक्स्ट को प्रथमे सिलेक्ट करो। एबे एही लाइन टी को आमे फॉन्ट कलर ऑप्शन द्वारा यार फॉन्ट रो कलर को चेंज करिबा। एथिपई प्रथमे वीडियो रे देखाइथिया भळी एही लाइन टी को सिलेक्ट करो। या परे निजर कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेटिंग बारे थिबा फॉन्ट कलर ऑप्शन पाखो को नेकी जाओ एवं सेठारे थिबा ड्रॉप डाउन आइकन को गोटे थरो क्लिक करो। निज इच्छा अनुसार गोटे कलर को सिलेक्ट करो। या द्वारा तुम्हें देखि पाइबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा लाइन रो फॉन्ट रो कलर चेंज होई जाइछि। एही बोली भाबरे तुम्हें फॉन्ट कलर ऑप्शन को व्यवहार करि पारिबो। आमे हाइलाइटिंग कलर काहीं की व्यवहार करू कही पारिबो कि आमे सिलेक्ट करथिबा टेक्स्ट रो बैकग्राउंड अर्थात पछ पाखरे कलर चेंज करिबा पई आमे हाइलाइटिंग कलर को व्यवहार करि थाउ। एहा को व्यवहार करी तुम्हें तुम्हारा टेक्स्ट किंबा पाराग्राफ रो बैकग्राउंड कलर अर्थात पछ पाखरो कलर को चेंज करी पारिबो जेते पर्यंत तुम्हें टेक्स्ट टाइप करिछो। तापरे नवम लाइन टी को हाइलाइट करो एवं ताकू देखाओ। आसो एबे एही वीडियो को देखिबा एवं सठिक उत्तर जानिबा। एबे एही वीडियो देखी आमे हाइलाइटिंग कलर को किपरि व्यवहार करा जाए तहार सठिक माध्यम सिखिबा। एथिपई प्रथमे लाइन टी को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करिबा पई तुमे टचपैड किंबा माउस व्यवहार करि परिबो किंबा शिफ्ट एवं एरो की व्यवहार करि परिबो। एबे लाइन टी को सिलेक्ट कला परे हाइलाइटिंग कलर पई निजर कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेटिंग बारे थिबा हाइलाइटिंग ऑप्शन पाख को नेकि जाओ जो भली वीडियो रे देखि पारुछ एवं ड्रॉप डाउन आइकन उपरे गोटे थरो क्लिक करो। सेठार गोटे बॉक्स ओपन हेबो जेउथिरे अनेक गुडिये कलर रहिछि। निजो इच्छा मुताबिक गोटे कलर को बाछि सिलेक्ट करो। या द्वारा तुम्हें देखि पारिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा टेक्स्ट गुडी को हाइलाइट होइ जाइछि। बैकग्राउंड कलर कोन पई व्यवहार करा जाय तुम्हें कहि पारिबो कि तुम्हारो लाइन किंबा पाराग्राफ किंबा संपूर्ण पेज रो बैकग्राउंड रो कलर को चेंज करिबा पई बैकग्राउंड कलर को व्यवहार करा जाय थाए। एबे दशम लाइन रो बैकग्राउंड कलर को चेंज करी देखाओ। आसो एबे ई वीडियो को देखिबा एवं सठिक उत्तर जानिबा एवं संशोधन करिबा। एबे आसो एही वीडियो देखि बैकग्राउंड कलर रो व्यवहार करिबार सठिक माध्यम सिखिबा। एथिपई प्रथमे तुम्हें लाइन टी को सिलेक्ट करो जहारो बैकग्राउंड कलर चेंज करिया पई चाहुछ। वीडियो रे देखाइथिया भली प्रथमे लाइन टी को सिलेक्ट करो। एहा परे निजर कर्सर किंबा पॉइंटर को बैकग्राउंड ऑप्शन पाखरे थिबा ड्रॉप डाउन आइकन पाखो को नियो जो भली वीडियो रे देखा जाइछि एवं ताकू क्लिक करो। एहा द्वारा तुम आगे बॉक्स ओपन हेबो जो थिरे विभिन्न प्रकार कलर रही तुम इच्छा अनुसार गोटे कलर बाछ एवं ताकू सिलेक्ट करो। एहा द्वारा तुम्हें देखि पारिबो तुम्हें सिलेक्ट करिथिबा लाइन रो पछ पाखरे कलर होई जाइछि। एबे तुम्हें समस्ते तुम्हारा फाइल को डेस्कटॉप रे सेव करो। तुम्हें तुम्हारा फाइल को तुम्हारा नाम रे सेव करो एवं प्रैक्टिकल टेस्ट बोली लेखि पारिबो। उदाहरण स्वरूप कंप्यूटर शिक्षा प्रैक्टिकल टेस्ट। एबे एही वीडियो देखि आमे आमर फाइल को किपरि सेव करा जाए तार सठिक माध्यम सिखिबा। एथिपई निजर कर्सर किंबा पॉइंटर को फाइल मेनू पाख को नेकि जाओ जेउं भली वीडियो रे देखा जाइछि एवं गोटिए थरो क्लिक करो। एहा द्वारा
सेठारे गोटे बॉक्स ओपन हेबो एवं सेथरे थिबा सेव ऑप्शन उपरे गोटे थरो क्लिक करो। तुम आगरे आ गोटे बॉक्स ओपन हेबो एथिरे तुमे तुम्हारा फाइल टिकु जे जगार रखिया पई चाहुचो फाइल लो लोकेशन एवं फाइल लो नाम चेंज करि परिबो। एबे वीडियो रे देखाइत भली या को तुम्हें डेस्कटॉप ऊपर क्लिक करो। डेस्कटॉप रे रखिया पई लोकेशन डेस्कटॉप रखिया परे फाइल लो नामटी चेंज कराइ परिबो। फाइल लो नामटी चेंज करिया पई फाइल नेम जगार तुम्हें नाम लेखि परिबो जे नाम रे सेव करिया पई चाहुचो जेऊं परी वीडियो रे लिखा जाइछि कंप्यूटर शिक्षा प्रैक्टिकल टेस्ट 1। तापरे सेव ऑप्शन को जाई गोटिए थर क्लिक करो। यह द्वारा तुमरो फाइल टी सही नाम रे सेव होई जिवो जेऊं नाम रे तुमे सेव करिथिलो एई भली भाबरे तुमे तुमरो फाइल को सेव करि परिबो। तापरे एही फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट को बदलाओ एवं डेस्कटॉप रे निजो नाम रे सेव करो। एबे सटीक माध्यम पई एही वीडियो को देखो एवं तुम्हारो फाइल को पीडीएफ को बदलाओ। एबे एही वीडियो देखी आमे आमरो फाइल को किपरी पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट करा जाए तहार सटीक माध्यम सिखिबा। एथि पई निजर कर्सर किंबा पॉइंटर को फाइल ऑप्शन पाखो को नेकी जाओ जेऊं भली वीडियो रे देखि पारु छो एवं गटि थर क्लिक करो। या द्वारा सेठारे गोटे बॉक्स ओपन हेबो जेऊं तिरे एक्सपोर्ट एज पीडीएफ बली गोटे ऑप्शन रहिछि ताहा को गटि थर क्लिक करो। या द्वारा गोटे तुम आगरे बॉक्स ओपन हेबो जेऊं तिरे अनेक गुडी ऑप्शन लेखा जाइथिबार तुमे देखि पारिबो। एथिरे कोनोसी चेंजेस तुमे करिवो नाही एवं सेठारे थिबा एक्सपोर्ट ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक करो। या द्वारा आउ गोटे बॉक्स ओपन हेबो जेउं थिरे तुम्हें फाइल रो लोकेशन एवं नाम चेंज करि परिबो। एबे लोकेशन डेस्कटॉप रहिछि एवं नामटी रहिछि कंप्यूटर शिक्षा प्रैक्टिकल टेस्ट 1। एही नाम रे तुम्हें सेव करि परिबो। सेव करिया पई सेव ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक करो जेऊं भली वीडियो रे देखि पारुछो। एबे एहा को चेक करिया पई फाइल टी को प्रथमे मिनिमाइज करो। तापरे तुम्हें डेस्कटॉप रे देखि पारिबो तुम्हें जेऊं नाम रे फाइल टी को सेव करिथिलो ताहा सेव होई जैछि एवं एहा को चेक करिया पई तुम्हें जदि एहा उपरे डबल क्लिक करुछो सेही फाइल टी ओपन होई जिवो। तेणु आमे आमरो फाइल को पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट करिथाउ कारण एहा द्वारा अन्य केही आम फाइल ले कौनसी चेंजेस किंबा परिवर्तन करि पारंती नाही। एही भली भाबरे तुम्हें एक्सपोर्ट एज पीडीएफ ऑप्शन को व्यवहार करि परिबो। आमे आजिरो क्लास एहिठारे शेष करिबा। मने रखिबो कि तुम्हारा फाइल डेस्कटॉप रे उभय राइटर एवं पीडीएफ फॉर्मेट रे सेव होईछि। एहा पर क्लास रे तुम्हें समस्ते गोटे लिखित तो परीक्षा देव। प्रश्न गुड़िक मल्टीपुल चॉइस अटे जेउं थिरे प्रत्येक प्रश्न रे चारोटी उत्तर थिबो एवं तुमको सेथि मध्यरु सठिक उत्तर टी रे टिक करिवाकु हेबो। लिखित तो परीक्षा परे राइटर 2 रो मॉड्यूल आरंभ हेबो जेउं थिरे तुमे राइटर विषय रे अधिक शिखिबो। कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती